नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 10। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कुछ बेसिक चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी। आई एम श्योर आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। इस लेक्चर को हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आधार पर जो धरती के सरफेस पे हमें प्रेशर बेल्ट्स देखने को मिलती हैं कि आखिरकार ये प्रेशर बेल्ट्स किस तरीके से बनती हैं और जो अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स हमें धरती के सरफेस पे देखने को मिलती हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं। कुल मिलाकर हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रेशर बेल्ट जो हैं दोस्तों वो 7 यानी कि टोटल 7 प्रेशर बेल्ट हमें देखने को मिल जाती हैं। नाउ एग्जैक्टली ये प्रेशर बेल्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ऑल्सो यदि आप लोग मुझसे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इस आईडी को यूज करके। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आज यानी कि 30 जून आखिरी दिन है। अनअकैडमी के कई सारे ऑफर्स आज खत्म हो रहे हैं। इसमें अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं दोस्तों तो आपको सब्सक्रिप्शन के साथ टेस्ट सीरीज भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस टेस्ट सीरीज में आपको 50 टेस्ट प्रीलिम्स के और 30 टेस्ट मेंस के एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्रीलिम्स में आपको कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जाएंगे, कुछ आपको सेक्शनल टेस्ट दिए जाएंगे और साथ ही में कुछ आपको फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। अगर आप लोग मार्केट में इसको सेपरेटली परचेज करने जाते हैं इसका जो कॉस्ट आता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज, लेकिन अनअकैडमी आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स अपनी सब्सक्रिप्शन के साथ ही अवेलेबल करवा रहा है। इसमें भी ध्यान रखिएगा आपके लिए कई सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं। 25% का आपको स्ट्रेट अवे डिस्काउंट अवेलेबल करवा रही है अनअकैडमी और उसके ऊपर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप लोग एक रेफरल कोड यूज करते हैं ANI UPSC। इससे ना केवल आपको डिस्काउंट और बेनिफिट्स मिलेंगे बल्कि आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल रहेगी जब तक कि आपका यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है। सो आई विल बी देयर विद यू टिल द प्रीलिम्स टिल द मेंस। जब तक आप यहां पर अवेलेबल हैं तब तक आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। इसके जो प्राइस हैं दोस्तों ये 57,500 रुपीज के ऊपर भी आपको 10% का अलग से डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोग आइकॉनिक लेते हैं तो इसके ऊपर भी आपको 10% का अलग से डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट एक्टिंग और आज यानी कि 30 जून के पहले पहले इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लें। इसमें मेरे द्वारा भी आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने को मिलेगी बिकॉज हमने यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स शुरू किया था जो कि 2 जून को शुरू हो चुका था। अगर आप लोग आज भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस को आप लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली की फैकल्टी जो कि ऑफलाइन में बहुत ही फेमस थी वो आज ऑनलाइन में आ चुकी है एंड इसके अलावा कई सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। सो आई थिंक अनअकैडमी इज द राइट प्लेस फॉर यू और आपको अपनी प्रिपरेशन को जल्द ही यहाँ पे शुरू कर देना चाहिए। राइट गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमने पिछले लेक्चर में कंक्लूड किया था कि कुल मिलाकर प्रेशर बेल्ट जो हैं दोस्तों ये 7 नंबर ऑफ प्रेशर बेल्ट हमें देखने को मिल जाती हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बता दिया था, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली मैंने आपको ये कहा था कि इन प्रेशर बेल्ट को हम लोग विभाजित कर सकते हैं कुल मिलाकर 2 कैटेगरीज में। इनका जो विभाजन है ये सबसे पहली कैटेगरी आती है थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, यानी कि ऐसी प्रेशर बेल्ट जो कि केवल और केवल थर्मल फैक्टर्स या फिर टेम्परेचर वाले फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती हैं। ऐसी प्रेशर बेल्ट्स को हम लोग कहते हैं थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स। लेकिन आपकी कुछ ऐसी प्रेशर बेल्ट्स भी होती हैं जिनको हम लोग डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स बोलते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी प्रेशर बेल्ट्स जो कि नॉन थर्मल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। यानी कि आसान भाषा में आपकी जो ये वाली प्रेशर बेल्ट्स हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये दोनों आपकी थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स हैं और आपकी जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ये आपकी डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स हैं। इन्हीं के बारे में जानकारी आपको देने वाला हूं, वन बाय वन बात करेंगे। इस डायग्राम को एक बार देख लीजिए, वैसे तो ये डायग्राम कई बार आने वाला है लेकिन फिर भी एक बार इसको आप लोग आराम से देख लीजिए। यहां पर देखिए ये आपका जो 0 डिग्री बना हुआ है दिस इज योर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद जो यहां पर ये बना हुआ है 30 से लेकर 35 डिग्री के बीच में दिस इज योर हाई प्रेशर बेल्ट। उसके बाद ये 60 डिग्री के आसपास बना हुआ है ये आपका लो प्रेशर बेल्ट है और 90 डिग्री के आसपास बना हुआ है हाई प्रेशर बेल्ट। सेम कहानी आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है, यहां पर आपका हाई प्रेशर बेल्ट है, यहां पर आपका पोलर लो प्रेशर बेल्ट है और यहां पर आपका फिर से हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिल जाता है। यानी कि यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने देखा सेंटर में
इक्वेटर पे हमें देखने को मिल रहा है लो प्रेशर, उसके बाद हमें हाई प्रेशर, उसके बाद हमें लो प्रेशर, और उसके बाद फिर से हाई प्रेशर। सेम कहानी नीचे है आपकी, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, और यहाँ पे फिर से हाई प्रेशर। अब इस डायग्राम के बीच में कुछ कुछ विंड्स भी आपको देखने को मिल रही होंगी। ये विंड्स के बारे में चर्चा वैसे तो मैं अगले लेक्चर में करने वाला हूं, बट फिर भी आपको एक ब्रीफ आइडिया यहां पे दे दूं कि ये वाली विंड्स थोड़ा सा हमें यहां पे इनकी डायरेक्शन को फिलहाल देखना होगा, क्योंकि कुछ कुछ प्रेशर बेल्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए विंड्स की डायरेक्शन समझनी जरूरी है। यहां पर देखिए, ये आपकी कुछ विंड्स यहां पे ब्लो कर रही हैं, कुछ विंड्स यहां पे ब्लो कर रही हैं, कुछ विंड्स आपकी इस तरीके से ब्लो कर रही हैं, इस तरीके से ब्लो कर रही हैं। दोनों एक तरीके से मिरर इमेज है, यानी कि जो विंड्स आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल रही हैं दोस्तों, वही वाली विंड्स आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेंगी। जो आपकी ट्रेड विंड्स यहां पर हैं, वही आपकी ट्रेड विंड्स यहां पर हैं। जो आपकी वेस्टर्लीज यहां पर हैं, वही आपकी वेस्टर्लीज यहां पर हैं। जो आपकी ईस्टर्लीज यहां पर हैं, वही आपकी ईस्टर्लीज यहां पर हैं। समझना अभी इनको नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको समझाया जाएगा कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से ब्लो करती हैं, कहां से कहां ब्लो करती हैं। लेकिन फिलहाल हम क्या समझने वाले हैं कि इनका कुछ कुछ योगदान जरूर रहता है इन प्रेशर बेल्ट्स को बनाने के माध्यम के पर्पस से। चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स यानी कि ऐसी प्रेशर बेल्ट्स जो कि आपकी थर्मल फैक्टर्स के आधार पर ही पैदा हुई हैं, यानी कि टेम्परेचर के आधार पर ही आप इन प्रेशर बेल्ट्स को समझ पाएंगे। याद कीजिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था कि अगर धरती के ऊपर दो जगहें हैं, एक आपकी प्लेस नंबर वन है, दूसरी आपकी प्लेस नंबर टू है। प्लेस नंबर वन का मान लीजिए आपका टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हुआ, यहां पर आपका टेम्परेचर लो है। जब हमने कहा कि टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो टेम्परेचर हाई होने के साथ साथ क्या होता है, आपका जो प्रेशर है ये लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपका टेम्परेचर हाई होगा, एयर एक्सपैंड करेगी, अगर एयर एक्सपैंड करेगी उसकी जो वॉल्यूम है वो भी एक्सपैंड करेगी, वॉल्यूम एक्सपैंड करेगी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रेशर है ये भी कम हो जाएगा। सिमिलर कहानी अगर आपका लो टेम्परेचर है, तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि यहां पर हमें हाई प्रेशर देखने को मिल जाएगा। यानी कि जहां पर तो हमें ये वाली रिलेशनशिप देखने को मिल रही है कि टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इन सभी एरियाज में हम ये कह सकते हैं कि थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। अब यहां पर देखेंगे कि कुल मिला के आपकी दो प्रेशर बेल्ट्स हैं, सबसे पहले जिसको हम लोग बोलने वाले हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और दूसरे नंबर पर जिसको हम लोग बोलने वाले हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये दोनों की दोनों प्रेशर बेल्ट्स आपकी थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स मानी जाती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की। मैंने आपको डायग्राम में ऑलरेडी दिखा दिया है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहां से कहां एग्जिस्ट करती है। ये देखिए आपके सामने है दोस्तों, ये एक बेल्ट है। कभी भी जब आपको प्रेशर बेल्ट को दिखाना है अपने डायग्राम में, आप उसको सिंगल लाइन दिखाने की बजाय एक जोन की तरह दिखाइए, बिकॉज ये एक बेल्ट है। यहां पर आप लोग इसको चाहें तो मार्क भी कर सकते हैं कि जो आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ये यहां पर से लेकर यहां तक एक्सटेंड करती है, यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक के लैटिट्यूड तक ये एक्सटेंड करती है। 5 डिग्री नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 5 डिग्री साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में। आपके सामने है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ड्यू टू द इंटेंस हीटिंग ऑफ द सर्फेस। पहली ही लाइन में हमने एग्जामिनर को क्लियर कर दिया है कि इसकी फॉर्मेशन 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में होती है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन क्लियरली हीटिंग की वजह से होती है। यानी कि यहां पर जो लो प्रेशर बन रहा है ये सीधा सीधा टेम्परेचर के साथ संबंध रखता है। इतनी सी ही कहानी है जो कि हमें समझनी है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में। हाँ, इसके साथ कुछ और कहानियां जुड़ी हुई हैं, वो क्या है दोस्तों, ये प्रेशर बेल्ट असल में स्थायी नहीं होती, यानी कि स्टेशनरी नहीं होती। ये मौसम के हिसाब से अपने लोकेशन को चेंज करती रहती है। यहां पर लिखा हुआ है, दिस जोन या फिर दिस पर्टिकुलर प्रेशर बेल्ट इज नॉट स्टेशनरी बिकॉज देयर इज द सीजनल शिफ्ट ऑफ दिस बेल्ट विद द नॉर्थवर्ड एंड द साउथवर्ड माइग्रेशन ऑफ द सन। हमने बहुत पहले एक लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका समर सोल्स्टिस होता है और जो विंटर सोल्स्टिस होता है, उस टाइम पर जो आपका मिड डे सन है वो भी शिफ्ट करता रहता है। अगर आपको ध्यान होगा, समर सोल्स्टिस के टाइम पे मिड डे सन यहां पे ओवरहेड हो जाता है, ठीक है। समर सोल्स्टिस आपका जस्ट अभी जो है थोड़े दिन पहले ही बल्कि गया है, 21 जून को हमने देखा इंटरनेशनल योगा डे को मनाया गया था, राइट। और उसके बाद जो विंटर सोल्स्टिस रहता है, इस टाइम पे आपका जो सन है ये यहां पर उस टाइम पे सन आ जाता है। यानी कि नॉर्मल टाइम पे तो आपका जो मिड डे सन है वो यहां पर आपका ओवरहेड रहता है। जब मिड डे सन ओवरहेड होगा इक्वेटर के ऊपर, उस टाइम पे ये वाला जो लो प्रेशर बेल्ट है यहां पर बनेगा। लेकिन जब मिड डे सन ऊपर जाएगा
उस टाइम पे लो प्रेशर बेल्ट यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और जब मिड डे सन नीचे आएगा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास आएगा उस टाइम पे ये वाला बेल्ट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये भी एक फिनोमिना होता है जो कि बेल्ट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है कि बेल्ट्स आपकी स्टेशनरी नहीं होती हैं। हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आगे जाकर जब हम आगे जाके कुछ ऐसी चीजों को पढ़ेंगे कि दुनिया में बारिशें क्यों होती हैं या फिर इंडिया में मानसून क्यों होता है तो वहां पर ये चीजें थोड़ी काम आती हैं, क्योंकि ये वाली जो प्रेशर बेल्ट्स हैं स्टेशनरी नहीं होती, ये कई सारे और प्रोसेसेस को भी गवर्न कर रही होती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें जब उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है उस टाइम पर ये वाली जो बेल्ट है एक्सटेंड करती है 20 डिग्री नॉर्थ इन अफ्रीका एंड टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन एशिया। लेकिन जब बात करते हैं सदरन समर की यानी कि जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है उस टाइम पे यही वाली लो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट कर जाती है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पास। कहने का मतलब ये कहानी बिल्कुल सही है कि ये वाली जो आपकी बेल्ट है स्टेशनरी नहीं होती है। नाउ इसके साथ कुछ और चीजें जुड़ी हुई, इसको हमने समझ तो वैसे पहले ही लिया था, फिर भी समझ लीजिए, यही वाली कहानी मैं रिपीट करने वाला हूं कि अगर आपका टेम्परेचर दोस्तों हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा हवा जो है एक्सपैंड करेगी, हवा एक्सपैंड करेगी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो प्रेशर लो हो जाएगा। वही कहानी यहां पे लिखी हुई है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज अ थर्मली इंड्यूस्ड बिकॉज द ग्राउंड सर्फेस इज इंटेंसली हीटेड। ग्राउंड सर्फेस इंटेंसली हीट हुआ यानी कि क्या हुआ है, आपका हाई टेम्परेचर हुआ है ड्यूरिंग द डे ड्यू टू ऑलमोस्ट वर्टिकल सनरेज। वर्टिकल सनरेज कहां से आई, वर्टिकल सनरेज आती है मिड डे सन की वजह से। एंड दस द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑफ द एयर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द हीटेड ग्राउंड सर्फेस ऑल्सो गेट्स वॉर्म्ड। याद कीजिए हमने पहले हमने चर्चा करी थी राइट कि ये अगर आपका सर्फेस है, ये सर्फेस है तो यहां पर आपका टेम्परेचर जो है सर्फेस का हाई हो गया तो इसके साथ जो जुड़ी हुई लेयर्स हैं इसका भी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा यानी कि यहां पर आपका लो प्रेशर बन जाएगा। लेकिन कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है जब यहां पर इसका टेम्परेचर जो है वो सडनली बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, ये वाली जो गर्म हवा है ये एक्सपैंड कर रही है, एक्सपैंड करते करते इसका अगर प्रेशर कम हुआ है तो दोस्तों ये वाली हवा जो है थोड़ी हल्की भी हो जाएगी। और जब ये हवा हल्की हो जाती है तो हल्की हवा क्या करती है, ये अपने सरफेस से ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है, इट कॉन्सिक्वेंटली राइजेज अपवर्ड्स कॉजिंग अ वेरी वेरी लो प्रेशर। और यही आपको कहानी यहां पे ध्यान से देखनी है। ये डायग्राम मैं लेक्चर के एंड तक खत्म कर दूंगा, यहां पर आप देखेंगे इसको हमने लिटरली शो किया हुआ है यानी कि अभी तक हम क्या देख रहे थे, हम अर्थ को सामने से देख रहे थे लेकिन अब मैं आपको अर्थ को साइड व्यू दे रहा हूं, लेटरल व्यू दे रहा हूं। ये क्या है, जीरो डिग्री पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में क्या हुआ, यहां पर आपका टेम्परेचर हाई था, टेम्परेचर हाई होने की वजह से प्रेशर आपका लो हुआ, जब प्रेशर आपका लो होगा हवा ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। कैन यू सी दिस, हवा ऊपर जाना शुरू कर रही है, ये नीचे वाली जो ब्लैक लाइन है दोस्तों ये सरफेस है और ये जो ऊपर वाली हमने आर्क बनाई हुई है ये क्या चीज है, ये दोस्तों आपका अपर ट्रोपोस्फेयर है यानी कि ये एक तरीके से अपर ट्रोपोस्फेयर भी नहीं, आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं अपर ट्रोपोस्फेयर की बाउंड्री क्या थी, अपर ट्रोपोस्फेयर की बाउंड्री थी ट्रोपोपॉज। तो ये आपका ट्रोपोपॉज है और ये ट्रोपोपॉज तक आपकी जो हवा है ये ऊपर तक जाएगी और उसके बाद ट्रोपोपॉज इसको रोक लेगा। इतनी कहानी आपको समझ आ गई, फिर से देख लीजिए, सबसे पहले आपकी हवा जो है वो एक्सपैंड करेगी, हवा एक्सपैंड करेगी हल्की हो जाएगी, हल्की होने के बाद ये ऊपर राइज करना शुरू करेगी जिसकी वजह से यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है। नाउ इसी के साथ जुड़ी हुई एक और चीज है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि आपकी कुछ विंड्स होती हैं जो कि यहां पे ब्लो कर रही होती हैं, वो वाली विंड्स क्या थी, वो वाली विंड्स इसी डायग्राम फिर से देख लीजिए, वो वाली विंड्स दोस्तों यहां पर आपको बहुत क्लियरली नजर आ रही होंगी, नॉर्थ ईस्ट की ट्रेड विंड्स हैं और साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड्स हैं। अगर आप देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट के ट्रेड विंड्स हैं वो यहां पर इस तरीके से आ रही हैं और जो साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड्स हैं वो यहां पर इस तरीके से आ रही हैं, अगर हमें इनको इस मैप में ड्रॉ करना है तो ये वाली आपकी विंड्स हैं, ठीक है, ये आपकी देखिए ये वाली नॉर्थ ईस्ट की विंड्स आ रही हैं, ये वाली आपकी साउथ ईस्ट की विंड्स आ रही हैं, तो ये दोनों की दोनों विंड्स यहां पर आके क्या कर रही हैं, ये यहां पर आके कन्वर्ज कर रही हैं। और इसीलिए दोस्तों इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के एरिया को कभी कभार जोन ऑफ कन्वर्जेंस भी कहा जाता है, ये जोन ऑफ कन्वर्जेंस इन दोनों नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का ही जोन ऑफ कन्वर्जेंस है। और इस जोन ऑफ कन्वर्जेंस को ज्योग्राफी की भाषा में कभी कभार इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहा जाता है। इंटर ट्रॉपिकल क्यों कहा गया, क्योंकि अगेन आपकी जो ये पूरा का पूरा जोन आपके ट्रॉपिकल्स के बीच में है, ट्रॉपिक्स के बीच में है राइट, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है,
ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में है, इसीलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या फिर ITCZ भी कहा जाता है। और वैसे तो हमारी हवा हल्के होने की वजह से भी ऊपर उठ रही थी, लेकिन जब ये साइड से आपकी दो तरह की हवाएं आ रही हैं, ये भी तो इसको पुश करेंगी ना, ये वाली साइड से हवाएं आ रही हैं, ये भी इसको ऊपर को पुश करेंगी, तो आपका जो वर्टिकल राइज ऑफ द एयर है ये और ज्यादा सपोर्ट हो जाता है। हेंस वी कैन से एक तरफ हाई टेम्परेचर, दूसरी तरफ ट्रेड विंड्स की वजह से यहां पे आपका लो प्रेशर और इंटेंसिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से हवा ऊपर जाना शुरू कर देती है। अब इसीलिए यहां पे ज्योग्राफी में इसको एक और टर्म भी कही जाती है, बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट काम कंडीशंस दिस बेल्ट इज आल्सो कॉल्ड अ बेल्ट ऑफ काम और डोल्ड्रम। यानी कि यहां पर सडनली क्या होता है कि आपकी जो हवा है ये ऊपर को जाना स्टार्ट कर देती है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द डोल्ड्रम। और ये हमने क्या देखा, हवा ऊपर जा रही थी, इसको डोल्ड्रम कहा जा रहा है। क्लियर है ये कहानी? सिमिलर कहानी हमें देखने को मिलती है आगे आने वाले पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में। अब क्योंकि हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को समझ चुके हैं, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट समझना काफी आसान है। देखिए, इट इज फाउंड एट 90 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर्स, ठीक है, फिर भले वो उत्तरी गोलार्ध हो फिर भले वो दक्षिणी गोलार्ध हो, और कहानी बिल्कुल सेम है। यहां पर आपका टेम्परेचर क्या होता है, यहां पर दोस्तों आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। हवा एक्सपैंड करने की बजाय क्या करेगी, हवा एक्सपैंड करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट करेगी। हवा अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसकी डेंसिटी को क्या होगा, उसकी डेंसिटी दोस्तों बढ़ जाएगी। अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आपका जो प्रेशर है ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दीज आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय थर्मल कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एयर अबव द एक्सट्रीमली कोल्ड पोलर सर्फेस, जहां पर आपको या तो आइस कैप्स देखने को मिलती हैं या आपको ग्लेशियर देखने को मिलता है। यानी कि अगर लो टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर होगा, देयरफॉर ये एक ऐसी बेल्ट है जहां पर आपको हाई प्रेशर को एग्जिस्ट विद द लो टेम्परेचर। ये कहानी भी क्लियर है? इस कहानी के साथ जुड़े हुए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है नहीं, इसमें आपको इतना ही ध्यान देना है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में, हालांकि आपको काफी चीजों पर ध्यान देना था जिसकी हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी आती है जब हम बात करते हैं रिमेनिंग दो प्रेशर बेल्ट्स की, यानी कि थर्मली इनडायरेक्ट प्रेशर बेल्ट्स की, या फिर जिनको हमने लेक्चर की शुरुआत में कहा था डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स। ये वाली जो प्रेशर बेल्ट्स हैं दोस्तों, इनकी कहानी क्या है? देखिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आर इंक्लूडेड हेयर एज देयर ओरिजिन, यानी कि इनका जो स्रोत है इट इज नॉट कनेक्टेड टू थर्मल नेचर ऑफ दीज लैटिट्यूड्स। अभी तक हमने क्या देखा, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, बड़ी क्लियरली हमने देखा कि यहां पर आपका टेम्परेचर हाई था, इसका मतलब प्रेशर लो था। यहां पर हमने क्या देखा, टेम्परेचर लो था यानी कि प्रेशर आपका हाई था। और यहां पर भी हमने सेम कहानी देखी, लो टेम्परेचर था यानी कि प्रेशर आपका हाई था। कहने का मतलब टेम्परेचर प्रेशर की रिलेशनशिप बड़ी आसान है। लेकिन अगर आप देखेंगे, यहां पर आपका टेम्परेचर हाई है, लेकिन दोस्तों यहां पर प्रेशर कितना लिखा हुआ है, प्रेशर भी हाई लिखा हुआ है। हाई टेम्परेचर के साथ हाई प्रेशर को एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर पोलर एरियाज में, अभी हम सब पोलर एरियाज के पास पहुंच चुके हैं, यहां पर आपका जो टेम्परेचर है ये लो है, उस हिसाब से आपका प्रेशर हाई होना चाहिए था, लेकिन आपका प्रेशर भी लो है। क्लियरली कहानी में कुछ और ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो कि यहाँ के प्रेशर को गवर्न कर रहे होंगे, इन दोनों प्रेशर बेल्ट्स के प्रेशर को गवर्न कर रहे होंगे। उन्हीं को समझेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो बात करते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की। जब भी आपको आंसर लिखना है, जब भी आपको चर्चा करनी है, सबसे पहले आपको हमेशा लैटिट्यूड के बारे में ही बात करनी है कि ये कहां से कहां पाई जाती हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं। सबसे पहले जब मैंने बात करी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की, तो पहला स्टेटमेंट मैंने क्या दिया था कि ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ में पाई जाती है। जब मैंने बात करी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की, तो मैंने कहा कि ये 90 डिग्री लैटिट्यूड पाई जाती है। अब मैं बात कर रहा हूं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की, तो मैं यही कह रहा हूं कि इट इज फाउंड बिटवीन 25 डिग्री टू 35 डिग्री लैटिट्यूड्स, और दोनों गोलार्थों में पाई जाती है, फिर भले वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो फिर भले वो सदर्न हेमिस्फीयर हो। अब देखिए, हमें यह चीज तो समझ आ चुकी है कि केवल टेम्परेचर के आधार पर इसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं। अब हुआ तो क्या हुआ, जो आपकी विंड थी, ध्यान से समझना, यहां पर आपकी विंड ऊपर उठना शुरू कर चुकी थी। ये हम समझ चुके थे कि विंड यहां से ट्रेड विंड्स की वजह से इसको सपोर्ट मिल रहा है, और हाई टेम्परेचर की वजह से भी इसको सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी विंड ऊपर जाना शुरू कर रही है। दोस्तों जब ये अपर ट्रोपोस्फेयर या फिर ट्रोपोपॉज तक पहुंच जाएगी, तो वहां पर जाके ये विंड और ऊपर नहीं जा पाएगी। यहां पर जाके क्या करेगा, ये वाली विंड आपकी आगे जाके टूट जाएगी और दोनों डायरेक्शन में डाइवर्ज करना स्टार्ट कर जाएगी। क्या हुआ, विंड ऊपर तक गई, ट्रोपोपॉज तक गई, लेकिन टूट गई, उसके बाद दोनों डायरेक्शन में आना शुरू हो चुकी है।
अब ये कुछ समय तक आगे जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद इस पर्टिकुलर हवा में जो इसकी एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तब ये सिंक करना स्टार्ट कर देगी। इस टाइम पर ये सिंक करना स्टार्ट कर देगी और ये सिंक करना स्टार्ट कर रही है 23 डिग्री के आसपास, यानी कि वही आपका क्या हुआ 25 से 35 डिग्री के आसपास का आपका जोन बनेगा, जिसको कि हम लोग बोलने वाले हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब लेकिन आप कहेंगे सर ये हाई प्रेशर बना कैसे? इसमें सबसे अच्छी चीज यहां पे क्या होती है कि जब आपकी ये वाली बेल्ट, ये वाली आपकी हवा नीचे आना शुरू करती है ना, क्या हुआ यहां पे ध्यान से पढ़ो, जब हवा नीचे आ रही है द डिसेंट ऑफ विंड्स रिजल्ट्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर वॉल्यूम एंड अल्टीमेटली कॉजेज अ हाई प्रेशर। जब वो विंड नीचे आ रही होती है उसकी वॉल्यूम आपको कम होती देखने को मिलती है, और अगर वॉल्यूम कम होगी, याद रखिए वॉल्यूम जब भी कम होगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी जब भी बढ़ेगी तो प्रेशर आपका हाई देखने को मिल जाता है। नाउ इस प्रोसेस को कहा क्या जाता है, इसको कभी कभार एडियाबैटिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट भी कह दिया जाता है। मैंने आपको तीन नाम बता दिए, क्या बताया, सबसे पहला नाम थर्मली इनडायरेक्ट प्रेशर बेल्ट, दूसरा नाम डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, और तीसरा नाम आपके सामने है एडियाबैटिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। यानी कि नॉर्मल आपकी जो कहानी होती है टेम्परेचर प्रेशर वाली, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ये वाला फिनोमिना इसको एक्सप्लेन कर पाता है। आई नो ये एक तरह का अपवाद है, लेकिन जी हाँ, इसी तरीके से ज्योग्राफी में कई सारे कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ते हैं, तभी जाके हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती है। यहां पर फिर से देख लीजिए, विंड विच वॉज राइजिंग फ्रॉम द इक्वेटर आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, एक पार्ट आपका नॉर्थ की तरफ जाता है, एक पार्ट आपका साउथ की तरफ जाता है। जब ये बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है इट गेट्स हैवियर, इट स्टार्ट्स डिसेंडिंग ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्वियसली अगर ये वाली हवा ठंडी हो जाएगी तो हैवी हो जाएगी, राइट, हैवी होगी तो उसके बाद नीचे आना शुरू होगी, जब नीचे आएगी तो नीचे आकर क्या कर देगी, हाई प्रेशर क्रिएट कर देगी। फिर से वही कहानी, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये देखिए यहां से विंड इस तरीके से ऊपर गई, ऊपर गई तो यहां पे ये घूम के यहां से वापस आ गई, ठीक है, यहां से वापस आ गई। दोस्तों इसको ऑप्शनल की स्टडीज में पढ़ते हैं हम लोग, ज्योग्राफी ऑप्शनल में, इसको एक पर्टिकुलर तरह का सेल कहा जाता है, ठीक है। अब ये कुछ प्रेशर सेल्स बनते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द विंड्स, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आई होप आपको कहानी समझ आ गई होगी कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ है तो क्या हुआ है। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी विंड घूमकर नीचे आ जाती है, राइट, यहां पर आपकी विंड ऊपर गई, यहां तक आपकी विंड ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद भारी हो गई, भारी होने के बाद नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी तो यहां पर आपका हाई प्रेशर क्रिएट करवा देगी। क्लियर है इतनी कहानी, यही कहानी यहां पे लिखी हुई है। अब इस पर्टिकुलर चीज को एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस भी कहा जाता है। इवन दो हमने अभी तक साइक्लोन्स के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको सिंपल सी कहानी बता दूं, साइक्लोन में आपको इतनी बात तो मालूम होगी कि विंड्स बहुत ज्यादा बहती हैं, विंड्स की जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है, यानी कि टर्बुलेंट कंडीशंस बनती हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि आपकी विंड जो है ऊपर से नीचे आ रही है इसको एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस कहा जाता है, या फिर इसको ज्योग्राफी की भाषा में कभी कभार एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी भी कह दिया जाता है। और क्योंकि यहां पे एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है इसीलिए इसको कभी कभार हॉर्स लैटिट्यूड्स का नाम भी दिया जाता है। आप चाहें तो इस वाले डायग्राम में देख भी सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है हॉर्स लैटिट्यूड्स। तो जिस तरीके से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का एक विचित्र सा नाम था डोल्ड्रम्स के नाम से, उसी तरीके से इसका भी एक अलग सा नाम है हॉर्स लैटिट्यूड्स के नाम से। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, नहीं मिली है वीडियो को पॉज करो या फिर पीछे जाके दोबारा देखो, दोबारा से आपको समझ आएगा। अगर आप लोग ये वाले विंड के फ्लो को समझ जाएंगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा किस तरीके से यहाँ पे हाई प्रेशर पैदा हुआ है। सिमिलर कहानी दोस्तों हमें सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में देखने को मिलती है, यानी कि जो आपकी ये वाली बेल्ट है यहां पर भी हमें सिमिलर कहानी देखने को मिलती है। टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं है, इट इज फाउंड बिटवीन, अगेन सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आपको लैटिट्यूड की बात करनी है, 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पाई जाती है। द लो प्रेशर डज नॉट अपीयर टू बी थर्मली इंड्यूस्ड बिकॉज इवन दो यहां पे लो टेम्परेचर होता है, लेकिन यहां पे आपका जो प्रेशर है वो हाई होना चाहिए था, लेकिन प्रेशर हाई नहीं है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। यहां पर क्या होता है कि असल में ये कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती है, एक विंड इधर से आती है और एक विंड आपकी यहां से आती है, ठीक है। यहां पर भी सेम कहानी, वो मैंने सदर्न हेमिस्फीयर की आपको कहानी बताई है, यहां पर भी सेम कहानी है कि एक विंड आपकी इधर से आ रही है सरफेस पे और एक विंड आपकी सरफेस पे इधर से आ रही है। जिस तरीके से यहां पर विंड्स कन्वर्ज होकर ऊपर जा रही थी उसी तरीके से यहां पर भी विंड्स कन्वर्ज होकर ऊपर जाएंगी, उसी तरीके से यहां पर भी विंड्स कन्वर्ज होकर ऊपर जाएंगी,
क्लियर है ये बात, और यही चीज आपको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में देखने को मिलती है। अब देखिए, अगर यहाँ पे विंड्स कन्वर्ज हो रही हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर जो आपका प्रेशर है ये लो होगा। अगर यहाँ पे विंड्स कन्वर्ज हो रही हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे प्रेशर लो होगा, और इसीलिए यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है। फिर से देख लीजिए इस कहानी को। एयर राइजेज इन दिस बेल्ट फ्रॉम द लोअर ट्रोपोस्फेयर टू द अपर ट्रोपोस्फेयर। मैंने हमारी एयर को राइज करवाया था, एयर ऊपर जा रही थी, बिल्कुल सही बात है। दिस राइज इज ऑल्सो फेसिलिटेटेड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ द वेस्टर्लीज एंड द पोलर ईस्टर्लीज विंड्स। ये वाली जो आपकी विंड्स हैं दोस्तों, ये वाली वेस्टर्लीज हैं, ये वाली वेस्टर्लीज हैं, और ये वाली जो है पोलर ईस्टर्लीज हैं, और ये वाली आपकी पोलर ईस्टर्ली विंड्स हैं। चाहे तो इस डायग्राम को भी यहाँ पर फिर से देख सकते हैं, या फिर चाहे तो यही वाले डायग्राम को दोबारा देख लीजिए जो हम पहले देखते आए थे। ये देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, ये एक कन्वर्जेंस का जोन था जहां पर आपकी दो तरह की विंड्स कन्वर्ज कर रही थी। सिमिलर कहानी यहां पर है, ये देखिए वेस्टर्लीज आ रही हैं, ईस्टर्लीज आ रही हैं, कन्वर्जेंस का जोन हुआ है। Why have I included this diagram? क्योंकि इस डायग्राम में हमें एक और चीज देखने को मिलती है, ये वाले प्रेशर सेल्स देखने को मिल जाते हैं। क्या आप इन प्रेशर बेल्ट को देख पा रहे हैं? ये नीचे तो आपके प्रेशर बेल्ट थे, लेकिन ऊपर अपर ट्रोपोस्फेयर में आपको ये वाले प्रेशर सेल्स देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स थी, ये आपकी साउथ ईस्ट विंड्स थी, लो प्रेशर बेल्ट बना, यहां पर आपका हाई प्रेशर बेल्ट बना सब ट्रॉपिकल एरियाज में, यहां पर आपका सब पोलर में फिर से लो बना, और यहां पर आपका फिर से हाई प्रेशर बेल्ट बना। ठीक है, इस तरीके से कहानी आपको समझनी होगी। आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है। फाइनली आपको वही वाला डायग्राम कंप्लीट कर देता हूं। ये आपके सामने है दोस्तों, दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज योर सब ट्रॉपिक्स, दिस इज योर सब पोलर, एंड दिस इज योर पोलर। ये आपका सब ट्रॉपिक है, ये आपका सब पोलर है, और ये आपका पोलर है। इसमें और हम क्लैरिटी दे सकते हैं, यहां पर क्या है, हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है, यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है, यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है, और यहां पे फिर से हाई प्रेशर है। और इनको भी आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं, ये आपकी ट्रेड विंड्स हैं, ये भी आपकी ट्रेड विंड्स हैं, ये आपकी वेस्टर्लीज हैं, ये आपकी वेस्टर्लीज हैं, ये आपकी पोलर ईस्टर्लीज हैं, और ये आपकी पोलर ईस्टर्लीज हैं। ठीक है, ये आपके डोल्ड्रम्स हैं, इनको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका ट्रोपोपॉज है। इस तरीके से आप पूरे के पूरे मैप को मार्क कर सकते हैं, और इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि विंड्स का जो फॉर्मेशन है और प्रेशर सेल्स का जो फॉर्मेशन है इस तरीके से बनता है। अगेन, ये डायग्राम वैसे हम लोग ऑप्शनल में सजेस्ट करते हैं, बट आप इसको जीएस में ड्रॉ कर सकते हैं, प्रेशर सेल्स को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा सब कुछ दिखा दीजिए, एवरीथिंग इज टोटली फाइन, और इस तरीके से हमारी प्रेशर बेल्ट्स यहाँ पे समाप्त हो जाती है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। देखिए, मैंने सब पोलर लो में और सब ट्रॉपिकल हाई में टेम्परेचर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि टेम्परेचर वर्ड से आपको ये वाली प्रेशर बेल्ट्स समझ नहीं आती हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिकली इंड्यूस प्रेशर बेल्ट्स। आप इसको भी एडियाबैटिकली इंड्यूस प्रेशर बेल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी असल में टेम्परेचर के ऊपर आधारित नहीं है। कुछ और फैक्टर्स हैं, कुछ और कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि इन प्रेशर बेल्ट्स को बनाने में हेल्प करवा रहे हैं। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करता हूं। अगर कोई डाउट्स हैं मुझसे पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां पे जाके आपको सब्सक्रिप्शन को लेके डाउट्स हैं या ज्योग्राफी को लेके डाउट्स हैं हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लेना मत भूलें, हर रविवार को ये होता है, स्कॉलरशिप जीतने का अच्छा मौका है। आपको यही वाला कोड यूज करना है, ANI UPSC। इसके अलावा दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।